इसके बारे में थोड़ा कुछ कंफ्यूजन था जो मैं आज दूर करने आया हूँ वापस शोरूम पे। ये है 300 सीसी, पर जो इससे जो पिछले वाला मॉडल आया था जिसमें मैंने आपको बताया था 350 सीसी, मतलब 334 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, तो वो एक में ही आया था। वो बाइक खाली ट्रायल के लिए आई थी और वापस कंपनी ने वापस मंगवा ली। अभी के लिए तो 300 सीसी है, मैं बना के गया हूँ। मैंने 2 बार 4 बार कंफर्म किया था, तो ये बात। और ग्राउंड क्लियरेंस के लिए मैंने आपको बोला था 145 mm में, मतलब ये देखो ना, तो इसमें जावा बता रही है कि किस तरह से, 145 mm से 165 mm के बीच में बता रहा था। अगर स्टैंड हटा देते हो तो 165 mm के समथिंग हो जाएगा। तो अब स्टैंड हटा दिया गया है तो इसमें आपको साइड स्टैंड ही आता है। ये आपके सामने जो खड़ी है 294 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है, जो OBD2 है। तो OBD2 का स्टिकर भले ही यहाँ नहीं है, और मैं कंफर्म करवा देता हूँ। अब जैसे इसमें कहीं भी आपको OBD2 का कहीं भी आपको स्टिकर नहीं दिखेगा, तो ये स्टिकर की एक प्रॉब्लम आपको ये इस बात में भी सोल्व कर दी। इसका भी E20 का अपडेट नहीं है, कहीं पर भी E20 फ्यूल अपडेट जावा में कहीं भी नहीं आ रहा है। तो इंजन है वो सब है, खाली लोगो लगाने से E20 फ्यूल अपडेट नहीं होता भाई। सरकार ने जब नॉर्म से निकाल दिए हैं कि अब वो बाइक आप BS6 वाली में इस तरह से नहीं बेच पाओगे, इस तरह का वाला, तो उसी हिसाब से बाइक बनती है तभी आप बेच पाते हो। जैसे अभी KTM की कुछ बाइकें हैं जो उसमें नहीं आ पाई, तो उधर उन्होंने बैन कर दी और वो नहीं बिकेगी। ठीक है, बाइक का लुक कुछ इस तरह से पूरी ये मेटल बॉडी में आएगी, कुछ प्लास्टिक पार्ट्स है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये कुछ है, बाकी प्लास्टिक पार्ट्स नहीं है। ये भी आपको लोहे का ही मिलेगा यहाँ पर आपको, और बाकी बाइक कुछ इस तरह से क्रोम में आएगी। इसमें आपको पावर मिल जाएगी 26.94 BHP की और 26.84 NM का टॉर्क, और टैंक इसका है 13 लीटर का टैंक है। बाकी का चलते चलते इसकी आवाज भी सुना देता हूँ, बाकी के स्पेक्स भी आपको बता दूंगा। ठीक है, बाइक कुछ यहाँ से जैसे स्टार्ट करने के लिए हर बार मैं बोलता हूँ, जावा की बाइक आपको यहाँ से स्टार्ट करने पड़ेगी, लॉकिंग यही होगा इसको इस तरह से। और जावा का लोगो वगैरह देख लीजिए, गोल्डन कलर में है ये, बहुत ही अच्छा क्रोम फिनिश में, और आपको यहाँ पर गोल्डन कलर की पट्टी वगैरह, और यहाँ पर सिंस 1929, स्टैंड हटाना पड़ेगा इसको चालू करने के लिए। गियर लीवर कुछ इस तरह से दिया गया है, पूरा क्रोम में इंजन दिया गया है, और ये एग्जॉस्ट वगैरह भी क्रोम फिनिश में ही दिया गया है। क्लासिक बाइक है तो क्लासिक बाइक का पूरा लुक आएगा। इसमें एनालॉग मीटर मिलेगा, डिजिटल मीटर आपको वही पुरानी जावा 42 में जिस तरह से आता था उस तरह से है। ठीक है, और आई बटन आपको यहाँ बटन दिया गया है जो आप यहाँ से टॉगल कर पाएंगे इस मीटर को सेट करने के लिए। इंजन किल स्विच आपको यहाँ दिया गया है, ब्रेक लीवर कुछ इस तरह से, गियर लीवर कुछ इस तरह से, और हाँ स्लीपर क्लच के साथ आता है। जावा ने आप सारे अपने इंजन में स्लीपर क्लच अपग्रेड कर दिए, ये भले आप जाके किसी भी साइड पर भी चेक कर सकते। और साउंड कुछ इस तरह से है इसका, पास से सुन लीजिए। ठीक है, और टोटल रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। बाहर एंड देखिए आपको सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं। अब चलाते हैं इसको, फर्स्ट गियर में डालते हैं, और बहुत ही अच्छी खासी पिकअप है ये। जो जावा 42 में यही इंजन आता है, और बहुत ही प्यारा इंजन है इसमें। एक तो आपको माइलेज बहुत अच्छा मिल जाता है, माइलेज आप अगर सही ढंग से चलाओगे, मतलब ये ज़्यादा ड्राइव नहीं करोगे, 80 की स्पीड पे समथिंग चलाओगे, तो आपको ये 40 से 45 का माइलेज भी आराम से दे देगी। और जो पावर है 300, ये जो 300 cc वाला इंजन है, और जो टॉर्क वगैरह सब है, यह बहुत ही प्यारा टॉर्क देता है इंजन आपको। यूँ कहीं कमी महसूस नहीं होनी देगी, और स्मूथ है इंजन, यूँ कहीं भी वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। मैं अभी और आगे आपको ले जाके दिखा रहा हूँ, अभी इतना सा रोड क्या थोड़ा सा ख़राब है, और सस्पेंशन वगैरह ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अभी ख़राब रोड पे चल रहा हूँ। अभी आगे हैं अपने पास में ये बैरियर वगैरह भी चेक कर लेते हैं, तो ये बैरियर से ऊपर से निकल के अभी चेक करो। ब्रेकिंग पावर देखिए, मैंने अभी खाली इसको जो रोका है वो खाली पीछे के ब्रेक से रोका है। अब इसकी ब्रेकिंग पावर है, सॉरी ब्रेकिंग तो मैंने चेक कर ली पीछे की, अब इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं। और कुछ इस तरह से है इसकी स्पीड, और स्पीडोमीटर थोड़ा उल्टा चलेगा, ये इस तरह से चलेगा। और ब्रेकिंग देखिए, बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग है, दोनों ब्रेक अप्लाई किए तो ABS अच्छे से वर्क कर रहा था। और ये है अभी गियर पोजिशन इंडिकेटर इसमें नहीं है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख सकता। ये मैंने डाला छठा गियर इसमें, हाँ 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है ये इंजन, एक नीचे बाकी 5 ऊपर की तरफ। और इस तरह से आपको ये देखिए, बहुत ही शानदार, और कहीं भी आपको ये महसूस नहीं होने देगी बाइक कहीं स्ट्रगल कर रही है। अभी मैं इसको स्लो करके बताता हूँ कि 5वें गियर में ये बाइक थोड़ी हाई रेव है, तो 5वें गियर में आपको थोड़ा सा यूँ महसूस कराएगी, हाँ इसको आपको 4th में ले लेना चाहिए। तो थर्ड गियर स्पोर्ट्स फील वाला इंजन है,
कंफ्यूजन आप उस बाइक की बात करते हो जहाँ पर अपने को एक बहुत भारी वाला कंफ्यूजन हुआ था। एक्चुअली में वो एक मॉडल ही आया था, उसके बाद शायद थे कि दीपावली के आसपास कुछ नया लॉन्च करने की कर रहे हैं जावा वाले, इसी बाइक में बहुत सारे फेर बदलाव किए हैं, तो उसी के टेस्ट राइड में आए थे और इसीलिए मैंने उसका वीडियो बनाया था। पर क्या है, मैं जैसे ही आया था वो बना के गया, उसका राइड रिव्यू बाकी रह गया था और मैं भी किसी कामों में व्यस्त हो गया, इसलिए थोड़ा राइड रिव्यू बनाने नहीं आ पाया। और फिर आज इसका आपने कल कमेंट किया था कि जिन्होंने भी कमेंट किया था, तो मैं ऑफिस आज शोरूम पे आया ये कंफर्म करने के लिए। अभी तो ये कंफर्म हो गया था, वो मॉडल वापस से गया है और वापस से आएगा वो मॉडल, अब वो दीपावली के आसपास लॉन्चिंग है उस। और मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखे हैं उसके, तभी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कंफर्म करके और तीन चार बार पूछा था कि हाँ भाई ये 334 सीसी है क्या। हाँ 334 सीसी है, यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो देखा था 334 है, और उसमें भी यही बताया गया था कि ये लॉन्चिंग दीपावली तक होगी। अभी ये आया नहीं है, मैंने भी शायद उसमें आपको बताया नहीं है, शायद रेट भी उसमें मैंने वीडियो पूरा देखा नहीं मैंने भी ढंग से। और गलियों में या गड्ढों में मैं से निकल रहा हूँ, कहीं इतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी पावर वगैरह देती है ये। सड़क गीली होने के बावजूद भी अच्छी खासी आपको पकड़ दे रखी है, बहुत ही प्यारी ब्रेकिंग है यार, वाकई मजा आ गया। और साउंड वगैरह आप सुन ही रहे होंगे, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी करके दिखा देता हूँ आपको। और स्विच क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम टाइप दे रखी है, ये स्विच क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। अब सारी बाइक में इसी तरह की आने लगी, यूँ लगता है किसी ये सारे जो बाइक निर्माता है ये सारे एक ही जगह किसी स्विच कंपनी को ऑर्डर करते होंगे जो ये बनाती होगी। वो अलग अलग तरह से किसी में हल्का, किसी में इस तरह से यूँ कलर एडजस्टमेंट करके दे रही है। और ये पूरी कच्ची सड़क पर भी आराम से स्मूथली वर्क कर रही है और सस्पेंशन मेरे को यूँ महसूस नहीं होने दे रहे कि हाँ यार ये कच्ची सड़क है। मेरे को यार इसीलिए मजा आता है क्योंकि कच्ची सड़क पे होने के बावजूद ये मतलब पता ही नहीं चलता है इसमें कहाँ ये है। थोड़ा गड्ढों से बचा के आज बारिश हो गई है और बाइक एकदम नई है। सॉरी कुछ ऐसा इंतजाम। तो किसी भी जावा की बाइक लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं ट्रेडमार्क ऑटोमेटिक LLP उदयपुर, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इसका देखो एक जादू दिखाता हूँ आपको, ये बंद, ये लगाया स्टैंड, ये बंद बाइक, तो इधर से नहीं कर पाओ तो इधर से कर लेना, हो जाएगा कुछ ना कुछ तो, ठीक है। और आप आगे से बात करते हैं तो इसमें आपको आगे की बता देता हूँ, 90-90-18 इंच के टायर दे रखे, आगे का स्पोक व्हील और ड्यूल चैनल ABS के साथ आएगी है, मरगार्ड वगैरह सब आपको मेटल के मिलेंगे, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखे हैं। और इंजन मैंने आपको बताया पूरा क्रोम में है सारा ये, और यहाँ पर जो भी बैटरी वगैरह लगने के कंपोनेंट यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। पीछे का टेल लैंप आपको LED मिल जाएगा और बाकी ये इंडिकेटर वगैरह सारे जो है वो बल्ब भी मिलेंगे। डिजिटल मीटर आपको यहाँ खाली इसमें मिलेगा, एनालॉग मीटर और पूरा ही एनालॉग मीटर में, इसमें फ्यूल गेज वगैरह सारे एनालॉग है, ठीक है। और सीट काफ़ी कंफर्ट दे रखी है और ये पीछे का ग्रेब रेल कुछ इस तरह से आएगा और बहुत ही प्यारी बाइक है। छोटे से इंडिकेटर दे रखे हैं इसमें, आप चाहो तो एक्सेसरीज के तौर पर इसमें सारा कुछ बदलवा सकते हैं और बहुत ही प्यारी हो जाएगी ये बाइक। और पीछे का जो टायर साइज है मैं आपको बताना भूल गया, पीछे मैं टायर देखने गया, 120/80/17 के टायर दे रखे थे, 17 इंच के ये जो स्पोक है इसमें स्पोक ही आएंगे, एलॉय व्हील आप चाहो तो चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। इसके प्राइस में आपको डिस्कशन में बताऊंगा इसकी।